मॉडल टीम्स द्वारा आयोजित मिस्टर एंड मिसेस महाराष्ट्र आइकॉन 2023 का ग्रैंड फिनाले नागपुर स्थित ओरिएंट तैयबा होटल में आयोजित किया गया है, जहां आयोजक अजिंक्य दाभे राव ने कार्यक्रम के विषय में जानकारी दी। मतलब है कि मॉडल्स टीम द्वारा आयोजित इस मिस्टर एंड मिसेस महाराष्ट्र कॉन्टेस्ट में राज्य भर में कॉन्टेस्ट लेकर 1200 लोगों में से 60 प्रतिभागियों का चयन इस ग्रैंड फिनाले कार्यक्रम हेतु किया गया है, जहां बोलते हुए महाराष्ट्र भर से आए हुए प्रतिभागियों ने अपनी भावनाएं इस वक्त व्यक्त की। प्रोग्राम ऐसा है कि ये मिस्टर मिस एंड मिसेस महाराष्ट्र का एक यूथ आइकॉन प्रोग्राम है। इसमें से ऑल ओवर पूरे महाराष्ट्र में हम लोगों ने ऑडिशन लिया, ओके, और 1200 कंटेस्टेंट जो बच्चे हैं, लड़के लड़कियां मिला के और मिसेस मिला के, खासकर मिस मिस्टर एंड मिसेस मिला के हमने ऑडिशन लिया, कंडक्ट किया ऑल ओवर महाराष्ट्र में। देन हमने उसमें से 60 टॉप 60 ग्रैंड फाइनलिस्ट हम लोगों ने उसमें निकाले। उन ग्रैंड फाइनलिस्ट को मैं नागपुर लेके आया हूँ, ऑरेंज सिटी, इसमें लिखा। अभी ये जो टॉप 60 है, इन लोगों में से टॉप 10 टॉप 15 ऐसे हम लोग इस जो ग्रैंड फाइनल में निकालेंगे। देन इसमें से कोई 9 to 7 पीपल्स विनर बनेंगे, जैसे मिस्टर में मिस्टर महाराष्ट्र, मिस महाराष्ट्र, मिसेस महाराष्ट्र, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप, मिसेस में मिस में फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप। तो इसका जो मोटो है, इसको मुझे कनेक्ट करने का मोटो ये है कि एज अ डायरेक्टर ऑफ अ मॉडल जिम, एज अ डायरेक्टर ऑफ जो मैं शो कर रहा हूँ उसका, तो इसका मोटो है कि यूथ एम्पावरमेंट, कि यहाँ से यूथ आगे जब जाए। तो देखो, आपको पता है इंडस्ट्री में काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी चीज़ें अप एंड डाउन आते हैं, बट मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि वहाँ सारी चीज़ें क्लीन एंड नीट रहे, राइट। और यहाँ ऐसा कि जितने भी मेरे पास कंटेस्टेंट हैं, ये 1200 लोगों में से, तो इसमें से हर एक बच्चा जो मेरे पास है, ये सारे के सारे टॉप ग्रैंड फाइनलिस्ट है, ये सारे के सारे विनर है। तो जब यहाँ से निकले या किसी और शो में जाएंगे या फिर इस इंडस्ट्री में जाएंगे, किसी फ्यूचर में किसी जगह जाएंगे आप, तो उनकी जो पर्सनालिटी है, राइट, जो मैं ग्रूम उन्हें कर रहा हूँ, जो मेरा शो मेरी टीम उन्हें जैसे ग्रूम कर रही है, वो उनके लाइफ में खुद के लिए तो लेकिन अपने दूसरों के लिए भी उनको इम्प्लीमेंट कर पाए। और जैसे मैंने कहा, इसका जो मोटो है यूथ एम्पावरमेंट का, वुमन एम्पावरमेंट का, राइट। और इसमें दादा मैं बोलूँगा एक स्पेशल, मैं इसमें बोलूँगा स्पेशलिटीज, खासकर कि जितने भी शोज होते हैं ऑल ओवर महाराष्ट्र में, अभी पैन इंडिया में नहीं बोल सकते, ऑल ओवर महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र का शो है, तो इसमें क्या होता है कि हम जो यहाँ ऑडिशंस लेते हैं, जो बाकी जो कंपनीज या जो भी एजेंसीज ऑडिशन, वो ऑल ओवर पर्टिकुलर सिटी के वाइज लेते हैं, बट हमने हमारे में स्पेशलिटी ये कि मैंने जितने भी बच्चे लाए, ये ऑल ओवर महाराष्ट्र से लेके आओ, हर एक जगह से मैं से पिक करके लाओ। सो बस ये बोलना चाहूँगा आपको कि ये जो शो है, ये शो सिर्फ एक शो नहीं है, ये किसी का सपना, से मेरा एक सपना है, ऐसा है, हर एक कंटेस्टेंट का सपना है ये कुछ बनने का अपने लाइफ में, कुछ करने का। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं कोशिश मेरी यही है कि इन लोगों को वो चीज़ें मिले जो ये लोग गलत गलत प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं उनको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ कि वो मैं एक प्लेटफॉर्म बना के दे रहा हूँ, आप यहाँ आओ और अपना टैलेंट शो करो। आपका नाम और ओके, माय नेम इज़ अजिंक्य, मैं अजिंक्य दाभे राव, मैं मॉडल जिम का डायरेक्टर हूँ एंड सीईओ। हेलो, माय नेम इज संस्कृति भुवाड़ू एंड आई एम ग्रैंड फाइनलिस्ट ऑफ मॉडल्स ड्रीम मिस्टर एंड मिस महाराष्ट्र। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक अजिंक्य सर फॉर दिस ग्रैंड अपॉर्चुनिटी। एंड टॉकिंग अबाउट मी, सो आई एम नीट एस्पायरेंट एंड दिस इज नॉट ईजी फॉर मी टू मैनेज ऑल दिस, बट दिस इज माई पैशन दैट कीप्स मी मोटिवेटेड। थैंक यू। आई एम वन ऑफ द फाइनलिस्ट फॉर दिस ग्रैंड फिनाले organized by a model's dream, run by a very dynamic fellow, Mr. Ajinkya Dabhe Rao sir, and his wonderful team. Really wonderful team this is. Each and every member of this team is cooperating so nicely, so gracefully. From all over Maharashtra, from 23 cities, the contestants are nominated. From all of these contestants, we 60 are here, and everyone is aspirant and everyone is giving his her best. So all the best to all of you. Thank you so much. Hi, mera naam Arti Prashant Sontake from Wardha. Yahan tak aane mein mujhe bahut kuch mehnat lagi, aur thank you for my mom कि मुझे यहाँ तक आने के लिए सपोर्ट किया, वो आना चाहती थी पर आ नहीं पाई, सो मिस यू मम एंड लव यू, थैंक यू। मस्त सब लोगों को जो भी मुझे देख रहा है, आई एम वेरी ग्लैड हियर। मैं अजिंक्य सर का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। माय नेम इज़ राहुल राजेश आतिवेड, आई एम 21 ईयर्स ओल्ड, आई एम फ्रॉम नागपुर एंड आई एम फैशन मॉडल। थैंक यू। किसी भी कार्यक्रम को सफल बनाने में सिस्टम का होना काफी आवश्यक है। इस उद्देश्य से द मॉडल ड्रीम्स द्वारा विभिन्न आयामों को मूर्त स्वरूप देने हेतु विभिन्न सहकर्मियों के बीच यह उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
दर्शकों, मिस्टर एंड मिसेस महाराष्ट्र का जो एक प्रोग्राम हो रहा है, जहाँ की कई लोगों के सपने पूरे होने वाले हैं, पूरी बॉडी यहाँ तैयार है, पूरा बोल सकते हैं पूरा शिष्टमंडल यहाँ खड़ा हुआ है, जिन्होंने कि एक प्रोग्राम अरेंज किया है। इस वक्त हमारे साथ मैडम मौजूद है, आपसे मैडम जिनसे हम जानेंगे कि क्या था इसके पीछे का रीज़न और क्या लगता है उन्हें आज, क्या आपकी प्रतिक्रिया है मैडम, आपने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है? सर्वप्रथम आपण सर्वांना माझा नमस्कार। आणि इथे आपण हे जे प्लॅटफॉर्म अरेंज केलं आहे, अजिंक्य सरांचं मी मनापासून अभिनंदन करते की त्यांनी महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यातून एक एक असे अनमोल हिरे इथे निवडून आणलेले आहे आणि त्यांची पारख त्यांनाच होती। आणि ह्या हे जे हिरे त्यांनी निवडून आणलेले आहे ते कुठेतरी एक भारताचं प्रतिनिधित्व कुठेतरी करणार आहे समोर त्यांचं या मॉडेल अकॅडमीमध्ये आणि या प्लॅटफॉर्ममध्ये ते स्वतः आपलं नाव खूप म्हणजे अलौकिक ते करतील। आणि याच प्रकारे मी त्यांना शुभेच्छा देते आणि थँक्स। इन हीरो को खोजने वाले जोहरी भी हमारे साथ है, अजिंक्य सर जिनसे हम जानेंगे कैसा लग रहा है उन्हें, आपको क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए सारे के सारे जितने लड़के आए सारे हैंडसम है, जितनी भी लड़कियाँ आए ना सारी इतनी सुंदर है ना कि जब आप स्टेज पे इन्हें देखोगे ना तो स्टेज पे आग लगने वाली है ऐसा है। तो दिल थाम के बैठना, अपनी खुर्ची की पेटी जो होती है ना बांध के बैठना, क्योंकि जब मेरे कंडीशन चले गए ना तो पूरे नागपुर से ऑरेंज है ना, सो रेड ऑरेंज हो जाएगा नागपुर। सो थैंक यू सो मच। या आग लगाने के लिए तो पूरा बोल सकते हैं पूरे के पूरे कंटेस्टेंट्स तैयार है, साथ ही साथ मैडम भी हमारे साथ मौजूद है। कैसा लग रहा है मैडम, आप इतना बड़ा प्रोग्राम अरेंज कर रहे हो और आप इसका हिस्सा है? मैं इस प्रोग्राम को अरेंज कर रही हूँ यस, और मैं तो सबसे पहले अजिंक्य सर को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलूँगी क्योंकि इनका आफ्टर ऑल बहुत ही बड़ा ड्रीम था, हम सबका ड्रीम था और हम लोग सब इसमें सभी लोग एज अ टीम सब लोग इसमें वर्क कर रहे हैं। और जितने भी प्यारे कंटेस्टेंट्स यहाँ पे हैं उनको इतना खूबसूरत यहाँ प्लेटफॉर्म मिलने वाला है, उनके ड्रीम्स भी पूरे होने वाले हैं। सो ओवरऑल यहाँ की वाइब बहुत ही प्यारी है। थैंक यू। काफ़ी अच्छा लग रहा है, अजिंक्य सर के साथ में काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ तो उनका जो सपना था ये उनकी जो हार्डवर्क है मैं देख पा रहा हूँ, और कंटेस्टेंट काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी वेल ग्रूम किया अजिंक्य सर ने सबको। और ऐसा मैं इस शो में फिटनेस इंस्ट्रक्टर हूँ और मैं इस शो का जूरी भी हूँ। और फिटनेस के तौर पर क्या आवश्यक होना चाहिए आपको लगता है, क्योंकि देखा जाए तो सभी की फिटनेस यहाँ जिस प्रकार से है तो देखा जाए तो अलग अलग आयाम यहाँ देखे गए हैं, तो किन आयामों पर जज किया गया? जी फिटनेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉडलिंग इंडस्ट्री में, और सबका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है लेकिन वो खुद को जिस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं उनके बेसिस पे हम उन्हें मार्किंग देंगे। यस, आप किस रोल में काम कर रहे हैं इस पूरे ऑर्गेनाइज बोल सकते हैं प्रोग्राम में? क्या एक्चुअली मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं पूरा बैकग्राउंड संभाल रहा हूँ, अंडरग्राउंड पे काम कर रहा हूँ, लाइक जो भी हमारे शो के रिलेटेड हमको जो चीज़ें लग रही है उनको मैं संभाल रहा हूँ यहाँ पे। और सर के गाइडेंस में हमको काम करने का मौका मिल रहा है तो हम खुद को बहुत खुश नसीब समझते हैं इसमें। थैंक यू सर। सर के गाइडेंस में ये हम इतना बड़ा महाराष्ट्र लेवल का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें बहुत बहुत कुछ सर से सीखने मिल रहा है, मैम से बहुत बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल रही है। अगेन वी हैव गॉट सो मेनी ब्यूटीफुल लेडीज़ ओवर हियर जो आगे जाके इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, आई थिंक दैट विल बी द रिवॉर्ड दैट वी आर गेटिंग फॉर आवर हार्डवर्क। जो भी आईटी का थिंग होता है डॉक्यूमेंटेशन से लेकर पूरा मैनेज करना, कंटेस्टेंट के साथ जो भी रिलेशन का काम होता है वो सारे मेरे अंडर होता है। मतलब हम बोलना चाहूँगा कि अगर ये शो अगर खड़ा हुआ है ठीक है ना, दो लोग और प्रेजेंट नहीं है, तीन चार लोग प्रेजेंट नहीं, वो सिर्फ इनके वजह से, क्योंकि ये जो यहाँ इतने इन्होंने सीने पे लगा के रखा है ना मॉडलशिप, असल में ये लोग इसे चला रहे हैं रात भर, जितने भी मेहनत करते कंटेस्टेंट्स के लिए, सिर्फ एक दिन के इवेंट के लिए नहीं, जितने भी तीन से चार महीने से पहले इवेंट हम प्लान कर रहे हैं तब से सुबह शाम रात दिन ये सब यही काम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ फेस हूँ, मैं कंपनी का फेस हूँ लेकिन मेरे बैकग्राउंड में इतने लोग काम कर रहे हैं, तो वो मैं सिर्फ यहाँ अगर खड़ा हूँ ना सिर्फ उनके वजह से हूँ। तो जितना भी श्रेय जो सक्सेसफुल शो होगा या हो रहा है अभी, तो ये जितना भी इसका सक्सेस जाएगा वो सब इन्हीं को जाएगा जितने भी आप प्रेजेंट है, खासकर जो मैम यहाँ खड़ी है। सो हेलो, मैं शो के ग्रूमर हूँ, आई एम सो थैंकफुल टू अजिंक्य सर जो उन्होंने मुझे एज ए ग्रूमर अपॉइंट किया, थैंक यू सर। और आई एम ओवरऑल थैंकफुल टू माई टीम, इस टीम ने मुझे बिल्कुल भी अनकम्फर्टेबल फील नहीं होने दिया, दे आर मोर लाइक फैमिली टू मी। आई मेट सच अ गुड माई बेस्ट फ्रेंड फॉर दिस शो, नीलम दी, पायल दी, पायल मैम, एंड वी आर सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी टू मीट ऑल दीज पीपल, ऑल दीज टीम मेट्स, आई एम सो लकी टू बी हियर।
मैं तो अजिंक्य से सिर्फ 3 महीने हो गए जुड़ी हूँ, लेकिन वो पर्सन इतना अच्छा है कि बोल ही नहीं सकती मैं उसके बारे में, सिर्फ थैंक यू बोलना चाहूँगी उनको। जैसे सर ने बताया कि हम जैसे जब से शो शुरू चालू हुआ है ना, तब से हम उनके साथ हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके, बहुत ट्रस्टवर्दी पर्सन है हमारे में कोई, तो अजिंक्य सर। देखिए सभी ने बहुत मेहनत की है, स्पेशली अजिंक्य सर ने, और जैसे ये इवेंट ख़त्म हो जाएगा सबको पता ही चल जाएगा, और स्पेशल जैसा पूरे महाराष्ट्र में जाके हर जगह जाकर उन्होंने ऑडिशंस लिए हैं, और पूरे महाराष्ट्र से जो जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं सब अपने मेहनत से वो अपना अपना स्ट्रगल लेकर आए हैं, तो सब पता ही, और इवेंट के बाद में कोई जो विनर होगा उसका सक्सेस सबको दिखने वाला है। पूरे बागबान को सजाने में एक जिस मालिक की जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो निभाई है अजिंक्य सर ने, जो कि सभी को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, सभी उनको धन्यवाद कर रहे हैं। तो देखते हैं आगे इसका क्या असर शहर साथ ही साथ पूरे विश्व में होगा, नागपुर का परचम किस प्रकार से विश्व में फैलेगा। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मनीष टिमरी की रिपोर्ट।